नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज A to Z। आज हम अपने खास कार्यक्रम में मेरी भी सुनो सरकार में लेकर आए हैं एक अहम खास मुद्दा, जिसे देखकर व सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, बिल्कुल आपके होश उड़ जाएंगे अगर आप देश के वीर जवानों को देश का सच्चा रक्षक मानते हो। तो ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे में देश के शहीद योद्धाओं के शौर्य के साथ हो रहे अपमान की पूरी कहानी है। देश का युवा अपनी मेहनत लगन से सेना में जाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। शहीद होने के बाद उस वीर जवान के परिजनों व उसके सम्मान के साथ किस कदर होता है अपमान, हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है और कहां का है। दरअसल ये पूरा मामला हिंदुस्तान के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जनपद उन्नाव का है। जी हां, हम उसी उन्नाव की बात कर रहे हैं जिस उन्नाव की धरती से सैकड़ों वीर जवानों व कलमकारों की वीर गाथाएं जुड़ी हैं। इसी उन्नाव की धरती पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, जो अंग्रेजों की हुकूमत का शिकार होकर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को युवा नौजवान अपना प्रेरणा स्रोत मानकर सेना में जाकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। बीते कई सालों में जम्मू कश्मीर में सैकड़ों नक्सली हमले हुए हैं, जिसमें उन्नाव जनपद के कई वीर सपूत अपनी जान देने वाली मां की गोद को सूनी करते हुए भारत माता की गोद में समा गए। उन्हीं शहीदों की सूची में एक नाम आता है, वीर शहीद अरविंद कुमार बिमल का, जो 26 जनवरी साल 2018 में पश्चिमी बंगाल में अपनी भारत माता की रक्षा करते हुए नक्सलियों की गोली का शिकार हो गए थे। शहीद अरविंद बिमल के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव व नगर पंचायत रसूलाबाद लाया गया था। वीर जवान को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों के साथ साथ नेताओं का भी हुजूम जमा हुआ था। शहीद की याद में कई यादगार कार्यों को कराने व उसके परिजनों को कई सरकारी सुविधाएं देने का सरकार व नेताओं ने वादा भी किया था, जिसमें से कई वादे पूरे भी किए जा चुके हैं। विधायक निधि से शहीद अरविंद बिमल की याद में स्मृति गेट बनवाने का भी वादा किया गया था। करीब 2 साल बीतने को है, लेकिन अभी तक स्मृति गेट की नींव तक नहीं पड़ी है। वीर शहीद व उसके परिजनों को सम्मान देना तो दूर की बात दिखाई पड़ रही है, उल्टा वीर जवान के शौर्य के साथ जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। शहीद वीर जवान को शहीद हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। इन 2 सालों में 2 बार शहीद जवान के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है। बीते कारगिल दिवस पर जब सेना के जवानों ने अपने शहीद जवान के घर आकर उसको श्रद्धांजलि दी थी, तब नगर पंचायत चेयरमैन नईमुद्दीन अंसारी ने जूते पहनकर वीर शहीद को पुष्प अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया था, जिसको लेकर चेयरमैन की जमकर चारों तरफ आलोचना भी हुई थी। चेयरमैन को लिखित रूप से अपनी गलती तक माननी पड़ी थी, लेकिन बीती 14 जनवरी को शहीद के परिजनों से चेयरमैन नईमुद्दीन अंसारी ने तस्वीरें मंगवाई थी कि इस तस्वीर को हम नगर पंचायत कार्यालय में फ्रेमिंग कराकर लगवाएंगे। बीते दिनों जब शहीद का भाई पवन कुमार बिमल नगर पंचायत कार्यालय गया, तो वहां शहीद अरविंद बिमल के साथ शहीद राम जीवन यादव की सहित 2 प्रतिमाएं शौचालय के पास गंदगी में रखी दिखाई दी, जिसका शहीद के भाई पवन बिमल ने विरोध करते हुए नगर पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियों को इसकी शिकायत की थी। शहीद के भाई व चेयरमैन व कार्यालय के कर्मचारियों में इतना ज्यादा बहसबाजी हुई कि चेयरमैन ने शहीद के भाई व 4-5 अज्ञात लोगों पर थाना आसीवन में मुकदमा दर्ज करा दिया। चेयरमैन का कहना है कि शहीद के भाई पवन बिमल ने खुद अपने शहीद भाई अरविंद बिमल व दूसरे शहीद राम जीवन की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नगर पंचायत कार्यालय के CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें पवन बिमल रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब अगर वीर शहीद का भाई इस तरह का मानवीय कृत्य करता है तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि चेयरमैन नईमुद्दीन अंसारी पवन बिमल पर मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। अब शहीद की मां भाई पवन बिमल पर न्याय की मांग करते हुए सैनिक कल्याण बोर्ड उन्नाव व पुलिस कप्तान विक्रांत वीर सिंह से गुहार लगा रहे हैं। वहीं अगर हम देश के लिए अपनी जान आन बान शान की बाजी लगा चुके वीर शहीदों की बात करें तो शहीद अरविंद बिमल की समाधि का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं आज से करीब 30 साल पहले देश की रक्षा करते हुए श्रीलंका में रसूलाबाद का एक और जवान शहीद हुआ था। उस वीर जवान का नाम राम जीवन यादव है, जिसकी याद में रसूलाबाद चौराहे पर एक मूर्ति का निर्माण किया गया था। उस वीर जवान की मूर्ति को साल में एक बार याद कर लिया जाता है, बाकी के दिनों के लिए उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। आज के दौर में जहां हर तरफ एक गरीब से गरीब परिवार के घरों में रोशनी जगमगा रही है, वहीं शहीद जवान की स्मृति के पास 30 सालों में एक लाइट तक मुनासिब नहीं हो सकी है।
क्या इसी तरह से होगा यहाँ वीर शहीदों का सम्मान? क्या यही है वीर जवानों का बलिदान? क्या इसी तरह से मिलेगा शहीद जवानों को सम्मान? क्या बलिदान दिवस पर ही याद आती है वीर जवानों की कुर्बानी? क्या अब शहीद की आड़ में होगी वोटों की राजनीति? क्या अब शहीदों के परिवारों को अपने सपूत की लाश बचाने के लिए सरकार से करनी पड़ेगी गुहार? मेरी भी सुनो सरकार के मुद्दे पर हम आप सभी को यही दिखाना व सुनाना चाहते हैं कि देश के वीर शहीदों के सम्मान के साथ किस तरह से हो रहा है खिलवाड़, वीर शहीदों का किस तरह से किया जा रहा है खुलेआम अपमान। अब आने वाला समय व आगे की जांच से ही साफ होगा कि शहीद के सम्मान के साथ असली छेड़छाड़ करने वाला कौन है। क्या वाकई में शहीद का भाई इसमें लिप्त है या फिर चेयरमैन की कोई साजिश? समाचार टीजेट के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। भैया हमारा बेटा साइन करावे गए रहे, तो हमारा बेटा और भैया जो साथ में रहन के तो बैठ गए रहे बाहर। ये फोटो देखेला कि हमारे भैया फोटो नहीं ले, फोटो लीन रहन जनवरी में यहाँ 14 जनवरी के यहाँ, और झूठी बता दिन हन कि तुम्हारी मम्मी के यहाँ बुलावा है सम्मानित करे। हमारे पास कुछ ना फोन आवा ना को खबर लेके आवा। और दूसरी बात कहती हैं हमारे बेटा के यहाँ कह रहे हैं हमारे, एक तो हमारा बेटा शहीद हुईगा वही के अपमान कर रहे हैं। हमारे बेटा के यहाँ कह रहे हैं छोटे वाले के यहाँ कि पवन रखी है मूर्ति हैं, वही के पहले महीना 15 दिन की 8 दिन की फोटो खंघारो। हमार कहा मतलब यो है पूरी फोटो देखो, फिर वही के बाद में यहाँ देखो का है, कहीं क्या दूध धुला है कहीं का पानी धुला है। हैं आखिरी बात हम यो कह रहे हमारे बेटा की गलती हो जो वही में पूरे देख लेन हो, या बाथरूम तीरा धरी है हैं, और या पवन धरी हैं जो पहले धरी है तो उनकी गलती, और बाद में धरी हैं तो पवन गलती होए हाथ में हथकड़ी डार के ने पूरे गांव रसूलाबाद बाजार नैमुद्दीन के घर आए और पूरा घुमावा जाए, इनका दंडित कीन जाए। पवन के जो अपने भाई साथ हम शहीद भाई साथ ये कीन होन हरकत, नैमुद्दीन अंसारी चेयरमैन के यहाँ पूरे जो उनकी गलती हुई उनका पूरे रसूलाबाद में यहाँ घुमावा जाए हथकड़ी डार के यहाँ। दूसरी बात जो हथकड़ी डार के ना घूमे तो कुर्सी छोड़ दें। दो ही बातें हैं मेरे तीरा हैं, किसको दोषी मानते हैं? हम तो चेयरमैन के मानित है, हमें बेटा के अपमान उल्टा मुकदमा भी लिख रहा है ऊपर से, मुकदमा हमारे पर लिख दिन है। चेयरमैन गांव का मुखिया है, चार जगह फैसला करे जाती हूँ कर दी हूँ कि नहीं, और तुम ये मुकदमा लिखिया और अब मुकदमा जो तिनकी गलती निखरियाई तो एक मुकदमा नहीं पांच और का कहें, हम पांच भाई हैं या क्या के मैया चोद दिया मामला बताने कष्ट करें। मैं शहीद अरविंद विमल का छोटा भाई हूं पवन विमल। मेरे भाई 24 जनवरी 2018 को शहीद हुए पश्चिम बंगाल नस्ली हमले में, ठीक है। ये मामला ऐसा है कि गेट बनना था तो वहां पर जई लोग आए थे, फिर वो पूरा मैटर वहाँ पे सॉल्व हुआ। उन्होंने कहा कि हमें चेयरमैन के हस्ताक्षर चाहिए, हम तीनों लोग वहाँ गए और जई अंदर साइन कराने लगे, हम ठेकेदार दोनों लोग बाहर बैठे थे, और ये भाई की प्रतिमा ली गई थी 14 जनवरी को कि हम भाई की प्रतिमा अपने ऑफिस में लगाएंगे। नईमुद्दीन ने कहा कि हम अपने ऑफिस में लगाएंगे, हम सम्मान करते हैं, शहीदों का सम्मान करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। तो हमारे माइंड में आया कि भाई ने अभी प्रतिमा नहीं लगाई नईमुद्दीन अंसारी ने, तो हम देखने लगे तो वो हमें बाथरूम के पास मिली जहाँ पर बोरी जूठे बर्तन सब कुछ पड़े थे। तो हमने तुरंत वहाँ कर्मचारियों से पूछा ये कब से रखी हुई है, तो कहने लगे बहुत दिन से रखी। तो हमने कहा इसको लगवाइएगा, तो कहने लगे जब तक अध्यक्ष जी का आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमने तुरंत ईओ से बात किया, ईओ ने कहा कि हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं है। तो फिर हम जब ईओ से बात करके निकले तो वहाँ से फोटो गायब हो चुकी थी। तो हमने उनसे कहा कि भैया इसको कहाँ फ़ोटो रखिएगा, तो हमने वास्तविकता जानने के लिए हमने फ़ोटो खींची और फिर हम बाबू के पास गए कि अगर आपको नहीं लगाना है, अनादर करना है, सम्मान नहीं देना है तो मुझे कृपया फ़ोटो को वापस कर दे, अगर सरकारी कर्मचारी सरकारी रुपए से बनी है तो मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपने बनवाई हो तो बहुत बड़ा धन्यवाद, लेकिन जहाँ सम्मान नहीं वहाँ पर फ़ोटो नहीं लगेगी। इस चीज़ को आप सोशल मीडिया में काफ़ी चेहरों पर जियत भी हुई जी इसके बनी हुई जी अभी 1 साल होने वाला है शहीद कारगिल दिवस था,
तो यहाँ पर उन्होंने मेरे भाई की फ़ोटो पर जूते पहनकर मेरे भाई का स्वागत किया और माल्यार्पण किया था। ये काफ़ी संदिग्ध मामला हो गया था, तो इन्होंने काफ़ी एक बार नहीं बल्कि दो बार हो चुका है ये मामला कि मेरे भाई का अपमान करते ही चले आ रहे हैं। आपने किया है ये वायरल जो हो रहा है, इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है कि पवन ने सब किया है। अगर उसमें मैंने किया है तो एक फ़ोटो कहाँ चली गई, उसमें सिर्फ राम सजीवन यादव की फ़ोटो मिली है, मेरे भाई की फ़ोटो कहाँ चली गई। मैं ले जाता तो दोनों ले जाता, अगर वास्तविकता दिखानी थी तो मैं दोनों लोगों को ले जाते फ़ोटो खींच के, तभी वास्तविकता पता चलेगी पहले से क्या थी। और CCTV फोटो से निकाली गई है, तो उससे जब मैंने कार्यालय में एंट्री की है तब से लेके पूरी वीडियो देखी जाए, अगर उसमें एक सेकेंड का भी कहीं एयरफेयर हुआ है तो इनके पर 420 का मुकदमा शहीद का देशद्रोह के लिए इनके ऊपर कार्रवाई हो और मुकदमा दर्ज किया जाए। अरे आप बोलो, जो गांव का मुखिया हो वो तो सबको समझाता है, बल ना कि लड़ाई के लिए उत्साह वो खुद ही अपने आप को उत्साह है और अपने ही आप को वो हम फंसा रहे हैं कि मैंने ये सब गलत किया है। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया? जी, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है नईमुद्दीन अंसारी, नगर पंचायत रसूला चेयरमैन। सरकार से या पुलिस कप्तान से क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ कि जो जब से हमारी एंट्री है तब से पूरी CCTV की देखी जाए फोटोज, एक एक सेकंड की देखी जाए, अगर एक एक सेकंड में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इनके ऊपर देशद्रोह का और 420 का है ना, और ये जातिवाद शब्द से भी यूज करते हैं कि इन लोगों को पैसा मिल गया है, नौकरी मिल गई है, तो काफ़ी इनके गर्मी चढ़ गई है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए इनको मुकदमा दर्ज कराया जाए और एक एक फोटो एक एक सेकंड की वीडियो देखी जाए, बल ना कि उसी दिन की नहीं, चार पांच दिन की आगे से भी देख ली जाए। मेरा नाम है सेवालाल, कार्यालय नगर पंचायत रसूलाबाद में चपरासी पद पर कार्यरत हैं। जो प्रतिमा के साथ में छेड़छाड़ हुई, मैं ऑफिस में मौजूद था। ये पवन जी 5-6 आदमियों के साथ आए और पहले गेट पर मैंने उनसे हाथ धुलने के लिए कहा कि हाथ धुलकर आप ऑफिस आइएगा। उन्होंने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, सीधे ही अंदर चले आए और रूम में रखी दो वीरगति प्राप्त सैनिकों की प्रतिमाएं, उन्होंने उनको उठाया और बाथरूम के करीब लगभग थोड़ी दूर पर ले जा करके उन्होंने उसका फ़ोटो खींचने का प्रयास किया। तब मेरे द्वारा उनको तत्काल रूप आगे आकर के रोका। हमने कहा, उनसे कहा, आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी आप करते हैं, इसलिए आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ये मेरे भाई की फ़ोटो है, इसके पहले मैंने एक फ़ोटो खींच चुका था, पहले खींच चुका था। ये भी कहा जा रहा है कि आप साथ बदतमीजी भी हुई है? हाँ, तो बदतमीजी की ये है कि जब उन्होंने उसको ले जाने का प्रयास किया तब छेड़छाड़ फ़ोटो के साथ किया, तो कि ले जाने के लिए फ़ोटो को हस्तगत किया, तब उस फ़ोटो को हम अपने कब्जे में लेने के लिए उनसे कब्जे में लेने के लिए कहने मतलब यह है कि फ़ोटो को हमने अपने वो खींचा। हाँ, हमारे मौजूदगी में ऐसा नहीं देंगे। हाँ, और मैंने उसका घोर विरोध किया, आपसी ये बहस हुई, उनके साथ में अन्य लोग भी खड़े थे तो वो चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे को मात केवल इशारा कर रहे थे। मैं उस बहस के कारण अपनी प्रतिमा न जाने के कारण न देने के कारण उनसे मैंने कहा ये सरकारी संपत्ति हो चुकी है, आप चेयरमैन साहब से फ़ोन करके या किसी प्रकार से आप अपनी बात कर रखिएगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा वो करेंगे, इसमें हम सरकारी कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन करने देंगे। बीते दिनों एक नया मामला निकल कर सामने आया, वीर शहीद अमर वीर शहीद व्यक्ति की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला आया कि उसकी प्रतिमा को बाथरूम में रखा गया, जो वो कि अमानवीय कृत्य है, बहुत ही निंदनीय कृत्य है, जो कि कोई भी देशवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरा मामला है उन्नाव जनपद नगर पंचायत रसूलाबाद का, जहाँ के चेयरमैन हैं नईमुद्दीन अंसारी, चेयरमैन नगर पंचायत के भी हैं और जिला उन्नाव जनपद के चेयरमैन संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। बीते साल पुलवामा अटैक में हमारे रसूलाबाद नगर पंचायत का एक अरविंद कुमार बिमल नाम का व्यक्ति अमर शहीद हो गया था, मगर वो वहाँ पे आतंकवादी अटैक में शहीद हुआ था, जिसकी प्रतिमा को ला करके उसको शव को ला करके यहाँ दफनाया गया था। बहुत ही धूमधाम के साथ बहुत नमा को विदाई दी गई थी, हजारों तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, नेता विधायक सांसद सब आए थे उसमें। और उसी टाइम पर शहीद दिवस के उसके कुछ दिन बाद शहीद दिवस कार्यक्रम हुआ, जिसमें उनके सोल्जर्स के द्वारा, उनके विभागीय कर्मचारियों द्वारा, सैनिकों द्वारा आकर के उनको श्रद्धांजलि भी दी गई थी। उसी कार्यक्रम
कार्यक्रम में नईमुद्दीन अंसारी चेयरमैन ने भी माल्यार्पण किया था, लेकिन जल्दबाजी में कह लें या कह लें होशो हवास में या उसकी जानकारी न होने की वजह से सैनिकों ने अपने शूज पहनकर सलामी दी, तो चेयरमैन साहब ने भी उसी तरह जल्दबाजी में जूते पहन करके माल्यार्पण कर दिया, जिसको लेकर काफ़ी उनकी फजीहत हुई थी, काफ़ी उनको शर्मिंदगी और उनके मान सम्मान को दाग भी लगा था और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया था। अब बीते दिनों 2-3 दिन बीत चुके हैं, ये ताज़ा मामला निकल के आया कि अरविंद कुमार बिमल जो शहीद हैं हमारे देश के, वो और इसके पहले एक शहीद हो चुके हैं काफ़ी साल पहले, संतराम संजीवन यादव जी, दो शहीद हमारे जफसलाबाद नगर पंचायत के हैं। तो अरविंद की प्रतिमाओं को चेयरमैन साहब ने पेंटिंग क्लैश बनवाए थे 26 जनवरी को कार्यालय में लगवाने के लिए, जिसको लेकर के उनके परिजनों को बुलाना था, आना था, शायद वो नहीं आए थे, जीएसटी नहीं लग पाए थे, उन प्रतिमाओं को नगर पंचायत कार्यालय पर रख दिया गया। ये कहा जा रहा है उनके भाई के द्वारा, मतलब जो अनुज कुमार है उनका अनुज भाई जो पवन, वो कह रहा है कि मेरी प्रतिमाओं के साथ बाथरूम में रखा गया जो कि अमानवीय है। इस संबंध को लेकर के हम नगर पंचायत चेयरमैन से जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है। चेयरमैन साहब आप ये बताने का कष्ट करें कि ये पूरा मामला क्या है। पूरे मामले में जो चीज़ है सामने सभी के संज्ञान में करीब करीब पहुँच चुकी है कि ये एक अमानवीकृत उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है, कुछ इसमें राजनीतिक षड्यंत्रकर्ता हैं जिन्होंने हमारे शहीद हमारे भाई अरविंद विमल जी के अनुज को मोहरा बनाया, उनके द्वारा इस तरह का अमानवीकृत करवाया। ये भी कहा जा रहा है कि आपके द्वारा कुछ कानूनी कार्रवाई भी की गई है, क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बताने की कोशिश करें। हमने थाना आशीवन में प्रार्थना पत्र दिया है FIR दर्ज करने के लिए, FIR दर्ज हो गई है, 4-5 अज्ञात और जो जानकारी ज्ञात है उनके ज्ञात, क्योंकि ये मामला समाज से जुड़ा हुआ है और एक शहीद से जुड़ा हुआ है जो हमारे भाई देश के लिए शहीद हो गए थे अरविंद विमल जी, उनसे जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी कीमत पर इस तरह की घटना करने वाले के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। चेयरमैन साहब देखा जाए तो एक शहीद की प्रतिमा के साथ इस तरह से कृत्य होना जो कि बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है, आखिर ये क्यों कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो शहीद का परिवार बहुत ही सभ्य और ईमानदार, मतलब कह लें कि सीधा परिवार है, और सरकार द्वारा जो भी उनको योजनाओं का लाभ देने का कार्य किया गया उनको पूरी योजनाओं का लाभ लगभग मिल रहा है, आपके द्वारा भी सारे कार्यक्रम जो उनको योजना मिलनी चाहिए दी जा रही, उसके बावजूद में भी इस तरह से उसको गुमराह करके इस तरह की घटना को अंजाम देना, ये कैसे। इसमें षड्यंत्रकर्ताओं का काम है जिन्होंने उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें भर दी हैं जो कि इस तरह से करो जिससे आपको लोग हाईलाइट करेंगे या शासन प्रशासन दबाव में आएगा तो और भी तुम्हारी बातें आगे सुनेगा। ये इनका परिवार बहुत सीधा है, ये पवन भी बहुत सीधा और अच्छा भाई है हमारा, लेकिन किस तरह से इसे लोगों ने गुमराह करके इस तरह का कृत्य कराया ये तो हम भी नहीं बता सकते। चेयरमैन साहब यही बताने के चेयरमैन साहब बताने कष्ट करें कि आपको ये कैसे जानकारी हुई कि इसी व्यक्ति ने प्रतिमा को उठा करके बाथरूम में रखा, उसके फोटोज़ खींचे, उसको वायरल किया, उसके बाद में आकर के कार्यालय के कर्मचारियों से बदतमीजी करी, सीसीटीवी फुटेज से मालूम है, कैसे जानकारी मिली आपको ये। यहाँ प्रतिदर्शी हमारे कार्यकर्ता भी हमारे नगर के जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा सारा घटनाचक्र देखा गया है, उनसे बहसबाजी हुई, उनसे कटआउट छीना गया, छीन कर शौचालय के पास ले जाया जाता है, फिर फ़ोटो खींचा जाता है, उनके साथ भी अभद्रता की जाती है, तो उन लोगों के द्वारा ज्ञात हुआ, उनके द्वारा बताया गया और कुछ चीज़ें CCTV से निकल कर सामने आई जिससे चिन्हित किया गया कौन व्यक्ति ये कटआउट और प्रतिमा लिए जा रहा है, वहाँ रखकर शौचालय का गेट खोलकर फ़ोटो खींच रहा है, ये सारी चीज़ें ये पूरे ज्ञान में और पूरे समझ में आ गई, तब ऐसे आदमी के साथ कोई बात करना भी ठीक नहीं है, उस पर तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं और मुझे कहता हूँ क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं और आप भी काफ़ी समाज जुड़े हुए लोकप्रिय व्यक्तियों में आते हैं, और देखा जाए किसी के साथ इस तरह घटना हो जाना बहुत ही निंदनीय है और आप पत्रकारों का सम्मान भी करते हैं, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि चेयरमैन साहब ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्या आखिर उसकी लालसा क्या रही हो या क्यों आपकी दुश्मनी है, एक रंजिश का माहौल है ऐसा जो लोग इस तरह के किसी को मोहरा बना करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। नहीं, ना हमारी किसी से दुश्मनी है ना रंजिश है, लेकिन कुछ लोग अब उनके माइंड में क्या भर रहे हैं, एक बार एक छोटी सी गलती हो गई थी, शहीद दिवस पर हमारे सैनिक भाई आए हुए थे इनके परिवार में माताजी का सम्मान करने, हमारे शहीद भाई का सम्मान के लिए आए थे यहाँ पे, तो
तो उसमें सारे सैनिक भाई खड़े हुए थे, उन्हीं के साथ हम भी खड़े थे। जल्दबाजी में उन्होंने हमें माला पकड़ा दिया और माल्यार्ड पर करने के लिए आगे खड़ा कर दिया। तो उस चीज़ का हमें आज भी खेद है कि हमारे पैर में जूते थे, वो बहुत ही गलत काम हमसे हो गया था, जो आज भी जो है उसको लेकर हमको पछतावा है। उसके लिए हमने लोगों से क्षमा याचना भी की थी और वो बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद कभी भी हमसे इस तरह की गलती नहीं होगी और हमेशा सैनिकों का सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा उनके मान सम्मान के लिए वो ताजीवन करते रहेंगे। चेयरमैन साहब, समाचार एडिटेट पे मेरे साथ अपना समय देने के, अपना पक्ष रखने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, और मैं चाहता भी हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने निकल गया है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, छोटा मोटा इश्यू नहीं है। एक शहीद, वीर शहीद के साथ, उसके सम्मान के साथ, उसके शौर्य के साथ खिलवाड़ करना, अमानित कृत्य करना बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। मैं स्वयं इसका विरोध करता हूं। अगर वाकई में इस पूरे मामले में उनका भाई इन्वॉल्व है तो उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सामने निकल के आना चाहिए क्यों ऐसा कर रहा है। अगर इस मामले पूरे मामले में कोई अन्य व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उस पर भी जाँच कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी तरह जाँच की प्रक्रियाओं बच जाता है तो उसका न्याय हमारी मातृभूमि, ये धरती माँ करे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी बिरादरी का हो, सब यहाँ के एक हिंदुस्तानी है, देश के नागरिक हैं, सैनिक सबकी रक्षा करता है। इसलिए इस धरती माँ पर सबका अपना अधिकार है, सबकी रक्षा धरती माँ करती हैं और ईश्वर सबको देखता है। अगर वाकई किसी ने इस तरह घिनौना कृत्य किया है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत या चुनावी संघर्ष को लेकर के, या अपने आप को हाईलाइट करने को लेकर के, या किसी गरिमा को धूमिल करने के लिए इस तरह के अगर कृत्य किया गया है, तो मैं भी इस घटना का बहुत ही दुख व्यक्त करता हूँ और इसका निंदा करता हूँ। आने वाले समय में ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये कृत्य क्यों किया गया, किसने किया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज कार्यालय में निकल के हैं, उसमें तो ये दिख रहा है साहब कि ये व्यक्ति है। फिलहाल पहचान भी हुई है और आने वाला समय तय करेगा कि पूरी इस मामले में सच्चाई क्या है और वीर शहीद के सम्मान के साथ दोबारा इस प्रकार की कोई अमानवीय घटना घटित न हो, ये मेरा शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है। समाचार एडिटेट के लिए कैमरा पर्सन आकाश सिंह साथ भानु चंदेल, उन्नाव।